दोस्तों रेलवे के एग्जाम के लिए जब भी आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना। नंबर दो पर आप पढ़ना फिजिक्स और नंबर तीन पर केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे जाएंगे, उसके बाद में फिजिक्स के और उसके बाद में केमिस्ट्री के। तो देखो मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि सारे वीडियोस देखो, उसी से ही आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो देखो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न देखा गया है कि रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। मतलब आप मानकर चलिए 20 से 30% क्वेश्चन आपके रिपीट होने, और इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज अभी से नोट कर लीजिए, मेहनत नहीं करोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बार बार बोलूँगा मेहनत नहीं करोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अब इस बार कंपटीशन दुगने से भी ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर, और ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। वो पीडीएफ आपको कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो सबसे पहले एक बहुत बड़ा डाउट होता है, एक तो देखो होता है सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है। सर्वदाता मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दिया जा सके, ठीक है। एक होता है सर्वदाता और दूसरा होता है सर्वग्राही रक्त समूह। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो सर्वदाता यानी कि जो सबको दे सकता हो ब्लड, उस वाले ब्लड ग्रुप का नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा ओ। अब इसको याद कैसे रखोगे, कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो याद रखने के लिए ऐसे देखो दाता, दाता मतलब कौन, देने वाला मतलब भगवान, भगवान मतलब गॉड, ठीक है। गॉड में देखो क्या होता है, गॉड में हम लोग लिखते हैं कैपिटल GOD, तो ये वाला ओ है, तो उससे याद रख लो कि ये ओ मतलब देने वाला, देने मतलब ओ, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेंगे, ये जो ओ है इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि यहाँ से इस तरीके से सबको दे सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको भी खून दे देगा, ए बी है उसको भी दे देगा, बी है उसको भी दे देगा। मतलब आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो आपके ऊपर ओ ब्लड ग्रुप तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सर्वदाता का मतलब है वो सबको दे सकता है, सर्वग्राही का मतलब है वो सबको ले सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो बहुत पूछा जाता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं वक, यानी कि किडनी, लीवर से कंफ्यूज मत होना, किडनी और लीवर में अंतर है। आपको ये क्वेश्चन मैं अगर फिर से पूछूं तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग लीवर पर टिक कराते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा किडनी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं छोटी छोटी गलती की वजह से। अब देखो रक्त को शुद्ध करना रक्त यानी किडनी का काम है, याद कैसे रखोगे? देखो रक्त को शुद्ध करना बच्चों का खेल नहीं, मतलब बच्चों को क्या बोलते, किड, किड्स का खेल नहीं, किड मतलब किडनी, ठीक है। रक्त को शुद्ध करना किड्स का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं, तो किड मतलब किडनी। उसके बाद में देखो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका वक में यानी कि किडनी में। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज की बनी होती है? तो ये जो पथरी बनती है ये होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। उसके बाद में रक्त का विलयन है क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू भी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 7.4। रक्त का विलयन होता है बेसिक, एसिडिक नहीं होगा, इसका पीएच होगा 7.4। अब ये देखो धमनी और सिरा वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। धमनी और सिरा वाले में क्या पूछेगा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय, देखो हमारे शरीर में जो खून का संचार होता है, मान लो ये कि हमारा शरीर इस तरीके से यहाँ पर है, जो खून का संचार होगा वो हृदय से शरीर की ओर और शरीर से हृदय की ओर दो तरीके से होता है, तो इनका क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा सिरा, यानी कि शरीर से हृदय की ओर अगर ले जा रही है तो आंसर हो जाएगा, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा शरीर है, ये रहा हमारा हार्ट, हृदय बीच में, ठीक है। तो शरीर से हृदय यानी कि
जो हमारे हाथ वगैरह में हर जगह ब्लड होता है, तो ये शरीर से हृदय की ओर जाएगा। ये देखिए शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, ये पूरा ब्लड शरीर से हृदय की ओर जो जाता है ये ले जाया जाता है सिरा के द्वारा। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि देखो नीचे से ऊपर की ओर सिर की तरफ जा रहा है ब्लड। ब्लड जो है वो शरीर से नीचे से हृदय, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर मतलब सिर की तरफ जा रहे हो, तो सिर की तरफ जा रहा है, तो इसका नाम हमें याद हो जाएगा सिरा। दूसरा है कि जो रक्त है ये हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा शरीर से हृदय, अब ये है हृदय से शरीर की ओर अगर जो रक्त जा रहा है तो वो जाता है धमनी की वजह से। अब इसको एक बार फिगर से देख लेते हैं। अब देखो क्या हुआ था कि हमने देख लिया था कि अगर शरीर से हृदय तो सिरा हो गया, अब ये जो हृदय है हृदय से रक्त जाएगा, ये हृदय जो है शरीर की तरफ, ये इस तरीके से, ये तो हृदय से जा रहा है, तो इसको बोलेंगे धमनी। धमनी इसको याद कैसे रखोगे? याद इसको ऐसे रखोगे कि देखो चूंकि ये हृदय से जा रहा है तो हृदय में क्या होता है, धड़कन धड़कता है, धड़कता से बना धमनी। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पित्त क्या होता है? तो पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, और इसकी पीएच वैल्यू भी पूछ लेगा तो आंसर टिक कर देंगे 7.7। उसके बाद में पूछता है पित्त स्रावित होता है, तो ये होता है लीवर में यानी कि यकृत में। तो ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, देखने में आसान लगते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। अब ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर ये जो पीडीएफ पढ़ाऊंगा ये आपको मिलेगी कहाँ, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो देखो मैंने इस पर पीडीएफ वो डाल दूंगा। इसके अलावा मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए देखो सारा सिलेबस और जितना भी नोट्स पीडीएफ जो भी होता है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए शेयर करता रहता हूँ, तो आप जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो टेस्ट पेपर है, साइंस का टेस्ट पेपर है, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, रेलवेज के करंट अफेयर्स है, उसके बाद में आप देख सकते हो पूरा टेक्निकल का सिलेबस है, टेक्निकल का कोर्स है, जितना भी स्टडी मटेरियल है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जितने ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने जल्दी और उतने अच्छे से ही मुझे भी, मेरा भी मन लगेगा आप सभी लोगों की तैयारी करवाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।